देश में बहुत सारे कोचिंग सेंटर इस समय ऐसे हैं जो पेपर लीक का अड्डा बन गए हैं। कोचिंग सेंटर्स को कानूनी दायरे के अंदर लेके आए और उनकी इन तमाम कारगुजारियों पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून देश के अंदर बने। गुजरात में पेपर लीक में इस कंपनी का नाम, बिहार के पेपर लीक में इस कंपनी का नाम, नीट के पेपर लीक में इस कंपनी का नाम। देश में बहुत सारे कोचिंग सेंटर इस समय ऐसे हैं जो पेपर लीक का अड्डा बन गए हैं। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जो मनमाने ढंग से गरीब छात्रों से फीस लेते हैं, उनके मां बाप अपनी जमीन गिरवी रख के, गहना गिरवी रख के अपने बच्चों को कोचिंग में पढ़ाते हैं और सुविधा के नाम पर बेसमेंट में उनको पढ़ाया जाता है, बेसमेंट में उनकी लाइब्रेरी खोली जाती है। हॉस्टल है तो वहां ठीक से इंतजाम नहीं, और मनमाने ढंग से उनसे वसूली की जाती है, पैसा लिया जाता है। तो यह ठीक कैसे होगा? इस लूट पे रोक कैसे लगेगी? यह तभी संभव है जब भारत सरकार कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करे, कोचिंग सेंटर्स को कानूनी दायरे के अंदर लेके आए और उनकी इन तमाम कारगुजारियों पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून देश के अंदर बने। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इन कोचिंग सेंटर्स के लोगों का रिश्ता है, और इसी के कारण देश के लाखों नौजवानों का जीवन बर्बाद हो रहा है। प्रधानमंत्री जी और भारत की सरकार और भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। तो यह खबर है जिसमें लिखा हुआ है कि ये जो एग्जाम है एडू टेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा उत्तर प्रदेश में कराया गया, जिसमें पेपर लीक हुआ था, इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया गया उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। ऐसे ही कई राज्यों में, गुजरात में पेपर लीक में इस कंपनी का नाम, बिहार के पेपर लीक में इस कंपनी का नाम, नीट के पेपर लीक में इस कंपनी का नाम, और जो इसका मालिक है सुरेश चंद्र आर्या, उसका रिश्ता है भारत के प्रधानमंत्री के साथ। उसकी तस्वीरें सुरेश चंद्र आर्या की मिल जाएंगी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। अब आप मुझे बताइए, ये पेपर लीक कराने वाली कंपनियां अगर देश के प्रधानमंत्री से अपना रिश्ता रखती हैं तो कौन सी सीबीआई, कौन सी ईडी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? क्या कार्रवाई होगी इन लोगों के खिलाफ? पेपर लीक होगा तो छात्रों को कहां से न्याय मिलेगा जब उसका रिश्ता सीधे प्रधानमंत्री से ही है?